बेनजीर भुट्टो साहब से जो ताल्लुकात थे, हाँ जी, तो उन्होंने एक बार दुबई में बैठे हुए बात कर रहे थे, कहते हैं इख्तियार मस्ट कंटेस्ट दिस इलेक्शन, बीबी मैं तो लिखने पढ़ने इस टाइप में मुझे जो आपने जिम्मेदारियाँ दी हैं वो मैं सही कर रहा हूँ, ये इलेक्शन तो मेरे बस की बात नहीं है। कहते नहीं तुम में एक फ्लेयर है, मैं देख रही हूँ और आप लड़ें। और उन्होंने वो इलेक्शन 2008 का नवाज शरीफ से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि ये इलेक्शन दोनों सियासी जमातों का एक कैंडिडेट हो, और नवाज शरीफ से कहा था कि उनका कैंडिडेट जो सलीम जिया था उसको बैठा दिया था मेरे हक में, और मैं नून की तरफ से भी और पीपीपी की तरफ से भी ज्वाइंट कैंडिडेट था, और ये बीबी के कहने पे हुआ था। और बीबी का जो आखिरी मैसेज आया है, फिर शहीद हो गई थी वो मेरे पास था, वो जरदारी साहब ने बाद में भेजा, और उसमें पूछा था आर यू हैप्पी नाउ, यू मस्ट विन दिस सीट, बेस्ट ऑफ लक। यानी वो जो उनका कैंडिडेट मेरे हक में बैठ गया था, उन्होंने कहा आर यू हैप्पी फॉर इट, मस्ट विन दिस सीट, बेस्ट ऑफ लक। तो एक लीडर एक कायद की ये उसके वर्कर के लिए अगर ऐसी बहुत बड़ा बातें हो तो मेरे लिए बिल्कुल। और आपको इंशाल्लाह स्टेडियम में दिखाएंगे, बीबी जब उतरी थी पाकिस्तान मेरी कैप पहन के उतरी थी, उसमें मेरा इलेक्शन, मेरा नाम, मेरा हल्का है NA 250 लिखा हुआ है, और पूरी दुनिया में CNN और हर जगह उसी वक्त एरियल हुई थी, वायरल हुई थी, फ्लैश हुई थी। वाओ, तो ये बड़ी अच्छी यादें हैं बिल्कुल, बिल्कुल हमारी है, जो साथ लेके हम दिल से लगाए बैठे हैं, उन पे मान है हमें बिल्कुल, उन पे फख्र है हमें, हमने एक अच्छा नाम कमाया है। वाह। और मैं समझता हूँ जिंदगी का असूल ही यही होना चाहिए कि आप जो इनिंग शुरू करें एंड में आप सिर्फ पैसा कमा के ना मशहूर हों, बल्कि एक अच्छी नाम से आप अच्छी नाम से एक अच्छी शख्सियत से जो है वो आप मशहूर हो, ये बड़ी बात होती है।